हाय एवरीवन, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट सीसेट, जी हां, 2011 में यूपीएससी के द्वारा इस पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया था। उस समय ये स्कोरिंग नेचर का था, लेकिन 2014 के बाद इसे क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया। वर्तमान में सीसेट एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। इस छोटे से वीडियो में हम सीसेट के तीन पहलू कवर करेंगे। पहला, सीसेट में कठिनाई क्यों बढ़ गई या सीसेट के पेपर के कठिन होने के क्या रीजन है। दूसरा, सीसेट में असफलताओं का बड़े कारण या असफलताएं क्यों हाथ लग रही हैं विद्यार्थियों की। और तीसरा, इसका क्या समाधान होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि आखिर सीसेट में ये पेपर कठिनाई या सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट की कठिनाई दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ती गई, क्यों ये पेपर कठिन लग रहा है। पहला जो बड़ा डिफरेंस है, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पहले 5 और 6 आते थे, 10 आते थे, अब ये 25 तक आने लगे हैं। दूसरा, कॉम्प्रीहेंशन, जो पहले कॉम्प्रीहेंशन में एक साधारण कॉम्प्रीहेंशन पर प्रश्न पूछे जाते थे, अब उसमें भी रीजनिंग, तार्किकता जोड़ दी गई। धारणा क्या है, निष्कर्ष क्या है, और आपसे पूछा जाता है कि इसकी कोरोलरी या इसका निगमन, उपनिगमन क्या होगा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा, इसका बड़ा कारण कठिनाई का है, नंबर ऑफ रीजनिंग क्वेश्चन कंटिन्यूअसली कम होकर उसकी जगह डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी के सवालों को ज्यादा पूछना। इसके कारण पेपर में रीजनिंग, जो कि बहुत आसानी से कर सकते थे, वो कम होने के कारण विद्यार्थियों को टाइम मैनेजमेंट करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो ये तीन बड़ी प्रॉब्लम है जिसके कारण पेपर कठिन हो रहा है। मैथ्स के क्वेश्चन का बढ़ना, कॉम्प्रीहेंशन का रीजनिंग के साथ जुड़ना, और रीजनिंग के क्वेश्चन का कम होकर उसके स्थान पर डीआई और डीएस, डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी के प्रश्नों का बढ़ना। अब सवाल है कि विद्यार्थी यूपीएससी में फेल क्यों हो रहे हैं, तो उसका एक जवाब तो आपके सामने ही है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत कठिन होता जा रहा है। लेकिन इसके दो और बड़े कारण हैं। पहला कारण तो है कि विद्यार्थी इस पेपर के क्वालिफाइंग वर्ड के कारण इसको सीरियस नहीं ले रहा है। एक महीने, डेढ़ महीने पहले सोचता है कि मैं कर लूंगा, पहले जीएस कवर कर लेता हूं, पहले आंसर राइटिंग कर लेता हूं, पहले निबंध पढ़ लेता हूं, पहले बहुत बढ़िया से मेंस तैयार कर लेता हूं, और 3 साल तक पीटी ही तैयार नहीं हो रहा है मेरे लाल लाली का। तो इसको टाइम अभी देना जरूरी है। हमें इस समय 2-2.5 महीने सीसेट को देने होंगे, बहुत प्रॉपर तरीके से 2-2 घंटे, और तब जाकर इस पेपर को हम बेहतर तरीके से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दूसरा रीजन है, इसके क्वालिफाइंग नेचर को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा इसे सीरियस ना लेना। लेकिन तीसरा बड़ा रीजन है, जो कि सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं, सीसेट में विद्यार्थी के फेल होने का, और वो है उसका कॉम्प्रीहेंशन पर ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंसी। उसे लगता है कि मैं कॉम्प्रीहेंशन कर लूंगा। 28 सवाल कॉम्प्रीहेंशन के आते हैं। अगर आप कितनी भी ताकत लगा दीजिए, भले ही कोई जादूगर आपसे कह देगा कि मैं आपको 3 नियम बता रहा हूं और उत्तर आ जाएंगे, तो वो बदमाश ऑलरेडी 3 ही कॉम्प्रीहेंशन करके गया है। हाय, अगर कोई लाल लालियों को दुख दूर करने वाला, तो बता दीजिएगा कि पूरे 300 कॉम्प्रीहेंशन जो अभी तक आए हैं, कोई प्रूफ करके दिखा दे कि इसका आंसर ये एग्जैक्टली होगा, और कोई 10-12 नियम बता के हल करके दिखा दे। जरूरी है इसमें प्रैक्टिस, जरूरी है इसके लिए यूपीएससी के ही कॉम्प्रीहेंशन को बार बार पूरा सॉल्व करना, 2-4 कॉम्प्रीहेंशन नहीं, पूरे 11 वर्षों के कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करना। और सबसे अंतिम बात, समाधान, क्या समाधान होगा। तो वास्तविक रूप में इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि जितना ज्यादा आप लोग
एक शिक्षक एजुकेटर के गाइडलाइन में पढ़ेंगे उतना ये सी सेट आप बढ़िया से कवर कर पाएंगे। आपको शायद लग सकता है कि मास्टर अपनी मार्केटिंग कर रहा है, जी नहीं, आप भले ही मेरी जगह किसी और से पढ़ लीजिए, लेकिन एक अच्छे गाइडलाइन में पढ़ेंगे तो ही सी सेट आप क्वालिफाई कर पाएंगे। दूसरा इसका समाधान है, मैथ्स और रीजनिंग को पहली प्रायोरिटी दी जाए। कॉम्प्रिहेंशन ब्रह्मास्त्र है हमारा। जब जीवन में कोई भी मैथ्स रीजनिंग हल नहीं हो पाए तो कॉम्प्रिहेंशन ही हमारे जीवन के दुखों को दूर करेगा। लेकिन इस समय हम केवल कॉम्प्रिहेंशन पर निर्भर नहीं हो सकते। और तीसरा, यदि हम इसकी तैयारी अभी से करें तो जब तक 28 मई का एग्जाम आएगा तब तक हम इसको दो बार रिवाइज कर चुके होंगे, जिससे कि यह रिजल्ट काफी खूबसूरत हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही बड़ी लगभग 3 वर्षों की वैचारिक रिक्वेस्ट के बाद अनएकेडमी फाइनल इस बात के लिए तैयार हुई कि आप केवल सी सेट में भी बच्चों का एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं 12 दिसंबर से लेकर आ रहा हूं एक्सक्लूसिव सी सेट का बैच। इस बैच में सुबह 9 से 11 दो घंटे की क्लास होगी, जिसमें पूरे 2.25 महीने 120 घंटे में हम मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी को कवर करेंगे। इसमें कंप्लीट एक्सक्लूसिवली केवल आप सब्सक्रिप्शन इसमें सीसेट का ले सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको पूरी चीजें दिख रही होगी, क्या फीस है, और आप एमके लाइव रिफर कोड यूज करके उसे 10% कम कर सकते हैं। सबसे मिनिमम फीस है, आप कहीं भी इंक्वायरी कर लेना, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह पर। तो सबसे ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा बेटर चीजों के लिए हम लेकर आ रहे हैं 12 दिसंबर से एक्सक्लूसिव सी सेट बैच। और मैं पुनः याद दिला दूं कि आपको अगर यूपीएससी का बहुत बढ़िया से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है तो आप सी सेट को सीरियस लीजिए। भले आप हमारी क्लास ज्वाइन करें या न करें, लेकिन आपको सी सेट बहुत अच्छी तरह से कवर करना होगा। जिस तरीके से इस पेपर का लेवल बढ़ रहा है, हमें उसी के आधार पर इसकी तैयारी को बेहतर करना होगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। मुलाकात करेंगे 12 दिसंबर सुबह 9 बजे सी सेट की पहली क्लास में एक अद्भुत उत्साह और ऊर्जा के साथ। आप सभी का स्वागत है हमारी इस कक्षा में। बाय, बेस्ट ऑफ लक।